हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमिरेट्स D20 की, जो कि मैच होगा यहाँ से फुजेरा वर्सेस अबू धाबी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इस मैच की, तो इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट इसी यूट्यूब चैनल पर कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ मिल जाएगा झारखंड T20 की वीडियो, जो कि कल से टूर्नामेंट शुरू हो रही है, तो उसके मैच इसके वीडियोज मिल जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ से बुखाती T20 की वीडियोज मिल जाएंगे, ECS T20 के वीडियोज मिल जाएंगे। तो सारे अच्छे मैच की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले, तो यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ से टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है, इनके अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा। सिंपली आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच रात को 10:30 पर ICC एकेडमी दुबई UAE में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट यहाँ से बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ से शॉर्ट बाउंड्री जो पूरा फायदा बैट्समैन को मिलने वाले, काफी अच्छे रन बनते हैं, इवन 200 के करीब भी स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। एवरेज स्कोर की बात तो 150 के प्लस स्कोर बनता हुआ आराम से नजर आ सकता है। तो बात करते हैं ऐसे टीम FUG की, तो एक मैच खेली है जहां से जीत के आ रही है। हमदान ताहिर और वसीम मोहम्मद दोनों ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग किया था। हमदान ताहिर यहां पर तो 0 रन पे आउट हो गए, लेकिन ये प्लेयर्स काफी बढ़िया है, यहां से कभी भी इनकी तरफ से बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है। इवन हमने इनको बुखातिर में भी देखा, बुखातिर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो हमदान ताहिर को एक बार फिर से मैं यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन से लेके जा सकता हूं। मोहम्मद वसीम 125 रन की पारी खेल चुके बुखातिर में अभी रिसेंटली, तो ये डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर होने चाहिए। इवन से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस बनते हैं, तो यहाँ से मोहम्मद वसीम मोहम्मद डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर रहेंगे। इवन उस्मान खान भी हमारी टीम के अंदर रहने वाले, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी पिक है। यहाँ से रोहन मुस्तफा भी कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के लिए अच्छी चॉइस है। अभी देखो ये 4 प्लेयर हैं, वसीम मोहम्मद, उस्मान खान, या से रोहन मुस्तफा और आसिफ खान, तो ये जो 4 प्लेयर हैं, ये 4 प्लेयर में से आप किसी को भी ऐसे कैप्टन या वाइस कैप्टनशिप के तौर पर ट्राई कर सकते हो, किसी को भी। लेकिन एडवांटेज की बात करो तो रोहन मुस्तफा बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवाएंगे, उस्मान खान एक ही ओवर्स करवाए, लेकिन वसीम मोहम्मद जो है 4 ओवर्स पूरी करवा सकते हैं। तो ये दोनों प्लेयर्स पूरी ओवर्स करवाते हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करके चलेगा। बाकी एज अ प्लेयर की बात करो तो हमदान ताहिर विकेट कीपिंग सेक्शन से बेस्ट पिक, या से वसीम मोहम्मद, उस्मान खान दोनों को लेके जाएंगे। रोहन मुस्तफा की बात करो देखो ये तो इंटरनेशनल प्लेयर है, या से कहीं लंबे समय तक या से टीम UAE की तरफ से कैप्टनशिप करवा चुका है, काफी अनुभवी प्लेयर्स है, ये तो डेफिनेटली रहना भी चाहिए। इवन या से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए सबसे बेस्ट पिक या से रोहन मुस्तफा ही रहने वाले, तो इनको भी लेके जाएंगे। और या से आसिफ खान, जो कि रिसेंटली अभी फॉर्म उनका काफी जबरदस्त चल रहा है, इवन कभी भी या से ओवर्स करके विकेट भी चटका सकते हैं। आप देख सकते हैं 201 मैच के अंदर 323 ओवर्स की गेंदबाजी कर चुके हैं, तो कभी भी 1-2 ओवर्स करवा सकते हैं, तो इनको डेफिनेटली लेके जाएंगे। बात करते हैं विष्णु सुकुमारन, थोड़े से नीचे खेलते हैं, तो इनको लेके जाना बहुत ही रिस्की रहेगा। हालांकि उमर फारूक का लास्ट मैच के अंदर परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि एक तो बैटिंग से ये कभी भी ऊपर आके अच्छे बहुत रन भी मार सकता है। इवन बॉलिंग की बात करो तो कभी भी ऐसे 2-4 विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है। 205 मैच के अंदर ऐसे 258 विकेट निकाली हुई, और बुखातिर में भी काफ़ी अच्छा किया हुआ उमर फारूक ने, तो इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। बाकी मारून मर्चेंट को शायद मैं यहाँ से प्रीफर ना करूँ, अभी दोनों में से किसी एक को लेने का, वो यहाँ से उमर फारूक या फिर मारून मर्चेंट को, तो मैं उमर फारूक के साथ जाऊँगा। हालांकि उन्होंने सिर्फ एक ही उसकी गेंदबाजी की लास्ट मैच के अंदर, तो यहाँ से एक बार फिर से मैं इनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। बाकी काशिफ दाऊद तो वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, ये भी इंटरनेशनल मैचेस खेल चुका है, तो यहाँ से इवन अभी भी जब भी UAE की मैच होती है तब काशिफ दाऊद जरूर उनके टीम के अंदर होते हैं, तो ये काशिफ दाऊद आपकी टीम के अंदर जरूर रहने चाहिए। उमेर अली भी वेरी इंपॉर्टेंट पिक है, ये दोनों बॉलर्स को बिल्कुल आप मिस नहीं कर सकते, उमेर अली और काशिफ दाऊद को। बाकी रजा अकीपुल खान की बात करूँ तो ठीक ठाक रिकॉर्ड है, लास्ट मैच के अंदर भी विकेट नहीं मिली, शायद मैं इनको प्रीफर ना करूँ। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ से काशिफ दाऊद और आर ए खान, मीन्स यहाँ से रजा अकीपुल खान, यानी कि इनको अकीफ रजा भी बोलते हैं, या से अकीफ रजा, तो दो कोई भी नाम दिखे ऐसे वही है, लेकिन हमको लेना नहीं अभी स्मॉल लीग के लिए, तो फिर ज़्यादा प्रीफर नहीं करता। बाकी बेंच की बात करो तो बेंच से अगर कोई भी खेलेगा तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे वहाँ पर चेंजेस वगैरह करने की, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। बात करते हैं ऐसे टीम अबू धाबी की, तो एक मैच खेली जहाँ से जीत के आ रही है, गुलाम फरीद और अत्ताउर रहीम दोनों ने ओपनिंग करवाया,
और दोनों ही का परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं रहा। और अताउ रहीम को शायद मैं पिक ना करूँ, आई थिंक ये शायद ही आपको दिखेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो आप अगर लेना चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन शायद मैं इनको अपनी टीम के अंदर लेके ना जाऊँ। बाकी गुलाम फरीद एक अच्छे प्लेयर्स है, इनको डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो, कभी भी इनकी तरफ से बड़ा परफॉर्मेंस आ सकता है, तो गुलाम फरीद काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। इथन डिसोजा की बात करूँ तो 25 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, और ओवरऑल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 12 मैच खेले जहाँ पर 67 के एवरेज से 543 रन किए हुए, तो डिसोजा को एक बार फिर से अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हो। लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करवा लेते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी करवा लेते हैं, हालांकि लास्ट मैच के अंदर ओवर्स तो की नहीं, वैसे भी ज़्यादातर ओवर्स नहीं की, 12 मैच के अंदर सिर्फ 6 विकेट है, तो बॉलिंग से इतना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर सकता है। और अली अबीद डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर रहने चाहिए, यहाँ से भी अगर अली अबीद दिखे तो मुझे शायद कन्फ्यूजन है, कुछ तो कन्फ्यूज जरूर है, तो यहाँ से इस अली अबीद को मैं जरूर लेके जाऊँगा। हालांकि यही अली अबीद थे राइट हैंडेड बैटिंग के साथ, यहाँ से लास्ट मैच के अंदर एक ओवर्स की गेंदबाजी भी की, तो यहाँ से डेफिनेटली इनको लेके जाएंगे। मजहर बशीर को शायद मैं प्रीफर ना करूँ, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 2 ओवर्स की गेंदबाजी की थी, देख लेते हैं इनके बारे में लास्ट में चर्चा करते हैं, अभी के लिए इनको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। बाकी कामरान अट्टा विकेट कीपिंग सेक्शन से एक अच्छी पिक बन सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर उनका काफ़ी नीचे है, तो अगर टॉप ऑर्डर खेल जाता है तो कामरान अट्टा की शायद बैटिंग नहीं आएगी, और इसके लिए आपके लिए एक रिस्की पिक हो सकते हैं। बाकी गुलाम मुर्तजा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बंदे ने भी लास्ट मैच के अंदर 4 विकेट निकाल लिए, और इस बार मैं इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन भी सजेस्ट कर सकता हूँ, तो इनको आप एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी उजैर खान वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहने वाले, लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट निकाली 3 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए, और प्लेयर्स काफ़ी अच्छा है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनके ओवरऑल रिकॉर्ड्स तो नहीं है, लेकिन ये प्लेयर्स काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि इनके बारे में मैं जानता हूँ अच्छे से, और आई थिंक शायद इनके स्टेट्स ओवरऑल कहीं पर मिल नहीं सके, लेकिन मैं इनके बारे में जरूर बताया था, एक बार फिर से मैं इनको लेके जरूर जा सकता हूँ हमारी टीम के अंदर। बाकी यहाँ से ओ हसन शाह की बात करूँ तो ये थोड़े से ओके पिक रहेंगे, बाकी ओवरऑल रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है, लास्ट मैच का परफॉर्मेंस भी इतना कुछ खास नहीं है। बाकी फयाज अहमद काफ़ी अच्छा प्लेयर्स है, लास्ट मैच के अंदर 4 ओवर की गेंदबाजी की 1 विकेट निकाला, और बैटिंग से काफ़ी नीचे आए, इवन 10वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए, वहाँ पर भी उन्होंने 28 रन किए, लेकिन यहाँ से आपको बता दूं कि बुखातिर में इस बंदे ने यहाँ से 104 रन की पारी खेल चुके, यानी कि 111 रन की आई थिंक पारी खेल चुके हैं, तो सेंचुरी लगा चुके हैं, तो कभी भी बैटिंग से भी ऊपर आके यहाँ से धमाल मचा सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखे चलना है। बाकी जिया मुख्तार को अगर वो अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा, बंदे की 38 मैच के अंदर 49 विकेट है, और लास्ट मैच के अंदर भी 3 ही ओवर्स की गेंदबाजी की जहाँ पर 1 विकेट निकाल के आ गया, तो बॉलिंग से कभी भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, इनको जरूर ट्राई करेगा। बाकी स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ से एम यू खान मीन्स यहाँ से मोहम्मद उजैर खान और जैड मुख्तार स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स में अली अबीद गुलाम मुर्तजा और जैड मुख्तार यहाँ से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करेंगे, तो ये डेथ ओवर्स वाले बॉलर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टैट्स आपको टेलीग्राम में पहुंचा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़े रहेगा क्योंकि अपडेट वगैरह आपको वहीं पर मिलने वाली है। तो अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन से लेके कौन से प्लेयर को लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात की जाए तो ऐसे में हमदान ताहिर के साथ जा रहा हूँ। देखो आप अगर चाहे तो ऐसे सेफ जाना चाहे तो कामरान अट्टा को ले सकते हैं, लेकिन ये बंदा ओपनिंग में आता है, कामरान अट्टा थोड़े से नीचे खेलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे हमदान ताहिर के साथ जाऊँगा, और वैसे भी मुझे पर्सनली ये प्लेयर्स काफ़ी अच्छा लगता है। बैटिंग सेक्शन की बात करो तो ऐसे उस्मान खान है, फैयाज अहमद है, आसिफ खान है, आसिफ खान के साथ ऐसे उमेर अली और ऐसे ई डिसोजा को मैंने पिक किया है। देखो उमेर अली का नाम यहाँ से बैटिंग सेक्शन से, लेकिन ये बंदा परफॉर्मेंस देगा बॉलिंग से, और हर एक मैच के अंदर आपको 2-3 विकेट लेता हुआ नजर सकता है। ऑलराउंडर सेक्शन में ऐसे वसीम मोहम्मद और यहाँ से रोहन मुस्तफा ऑलराउंडर सेक्शन में से हमारी टीम के अंदर रहने वाले। बाकी आप चाहे तो ऐसे अताउर रहमान या से काशिफ दाऊद को ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो गुलाम मुर्तजा और उनके साथ यहाँ से जैड मुख्तार और एम उजैर खान हमारी टीम के अंदर रहेंगे, लेकिन आप चाहे तो यहाँ से इन दोनों प्लेयर्स के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। उमर फारूक को ले सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेयर है, ऐसे ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे सकता है कभी भी, तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी ऑप्शन सारे ठीक ठाक है, ऐसे एम मर्चेंट को लेना चाहो तो ले सकते हो। बाकी अभी के लिए मेरी टीम को जिस तरह से रह सकती है कि कैप्टन की बात करो तो कैप्टन हमारे रोहन मुस्तफा और वाइस कैप्टन यहाँ से वसीम मोहम्मद रहने वाले। और ऑप्शंस की बात करें तो फैयाज अहमद, इस बंदे के ऊपर जरूर ध्यान रखिए, ये काफी बड़ा प्लेयर है, यहाँ से बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, ये एक अच्छी चॉइस है। उस्मान खान है, आसिफ खान है, इनको ये तीनों प्लेयर्स को आपको यहाँ से और गुलाम मुर्तजा, ये चारों प्लेयर के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर, लेकिन अभी के मैं यही टीम के साथ जाऊंगा, लेकिन याद रहे ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगी। फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक अटैच किया हुआ है, इनके से अगर लिंक वर्क ना करें तो टेलीग्राम में जाकर आप सर्च कर सकते हो फैंटेसी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपल आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको इसी
टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आपको लाइक और शेयर कर देना है, बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस की वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला। तो मिलते हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ, तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से टीम बना के अच्छे से विनिंग करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।